तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सॉल्यूशन का अगला टॉपिक लेकर आए हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जिसको हम नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करेंगे डेल्टा टीबी से, और इसका अनदर नेम है इस क्रायोस्कोपी। चलिए इसका मतलब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं बॉइलिंग पॉइंट का। व्हाट इज इट मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट है क्या एक्चुअल में? तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे कोई भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके वेपर के उसके किसी भी टेम्परेचर पे जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उसी टेम्परेचर को हम लोग नाम देते हैं क्या? बॉइलिंग पॉइंट का। चलिए डिफाइन करते हैं इसको हम। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब 1 atm, या इसी को हम लोग नाम देते हैं 760 mm ऑफ Hg। तो ऐसे टेम्परेचर को हम लोग नाम देंगे किसका? बॉइलिंग पॉइंट का। देखिए, एक और चीज है कि जब हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी प्योर सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर हो जाता है कम, जो हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं RLVP में, जिसको हम लोग कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर कम हो जाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? बॉइलिंग पॉइंट को। चलिए जरा इसको ग्राफ से समझते हैं। कैसे समझते हैं? ग्राफ से। ग्राफ क्या कहता है इस बारे में? अगर हम वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ ड्रॉ कर डालें, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है और यहां पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यहां पे हमारा 1 atmospheric प्रेशर है इस पॉइंट पर, ये है 1 atm, या इसी को हम लोग कहते हैं 760 mm ऑफ Hg, इसी को इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं 1 atmospheric प्रेशर। चलिए, हमने सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट लिया, तो हमने क्या देखा कि प्योर सॉल्वेंट लिया इस पॉइंट पर, तो हमने इसको टेम्परेचर दिया और ये यहां पे आकर के इस ये 1 atm के इक्वल हो जाता है और इसके ऊपर ये लिक्विड बॉइल करने लगता है। ये क्या था हमारे पास? एक प्योर सॉल्वेंट था। अरे, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ कहां आएगा? और नीचे, यानी ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये इतना टेम्परेचर देने पर और ज्यादा टेम्परेचर देने पर ये अब ये इक्वल हो रहा है 1 atmospheric प्रेशर के। ये क्या है? सॉल्यूशन ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जब हम कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड कर देते हैं। चलिए, अगर हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, ये यहां पे क्या है? इसको हम लोग नाम देते हैं किसका? टीबी नॉट का। ये प्योर है और इस टेम्परेचर पे यहां बॉइल कर रहा है सॉल्यूशन, तो इस टेम्परेचर को हम यहां पे नाम देंगे किसका? टीबी ऑफ द सॉल्यूशन। और ये जो बीच का डिफरेंस हो गया हमारा, ये जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस इज नोन एज व्हाट? डेल्टा टीबी। तो हमने यहां पे देखा कि डेल्टा टीबी इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। टीबी नॉट इज व्हाट? टीबी नॉट क्या है? टीबी नॉट है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीबी क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब चूंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं मोलैलिटी पर, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर, तो ये क्या है कि हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूट, यानी डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, यानी मोलैलिटी, डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अब मोलैलिटी क्या है, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। एक तो ये हो गया, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट इज के बी। इसी के बी को हम लोग कहा करते हैं क्या, इसी के बी को क्या कहते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट। क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपिक, इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, सॉरी ये है इब्यूलियोस्कोपी, इसको हम लोग बोलते हैं इब्यूलियोस्कोपी बोलते हैं, इब्यूलियोस्कोपी। अब ये हो गया इब्यूलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। अब जरा इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, से के बी की यूनिट कैसे निकलेंगे, इसकी यूनिट भी अक्सर पूछा करती है, डेल्टा टी बी अपॉन एम, इसको बोलते हैं केल्विन, और ये हो गया मोल, केल्विन केल्विन, ये हो गया मोल पर केजी, तो ये हो गया केल्विन किलोग्राम मोल पर मोल, जैसे को बोलते हैं केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स या केल्विन किलोग्राम पर मोल। इसकी क्या हो गई, यूनिट। अगर इसकी हेल्प से हम लोग क्या काउंट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। चलिए इसको देख लीजिए, पर इसके बाद हम लोग इसी की हेल्प से, इसी फॉर्मूले की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। चलिए मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन करते हैं विद हेल्प ऑफ एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, देखते हैं कैसे निकलता है। आइए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो हमने फॉर्मूला भी क्या पढ़ा, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। अब ये एम मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट ग्राम में दिया हुआ तो उसको हम थाउजेंड से डिवाइड कर लेंगे, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट किलोग्राम। अच्छा हम यहां पे मोलैलिटी ही क्यों ले रहे हैं, मोलैलिटी क्यों नहीं लिया, मोलैलिटी ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मोलैलिटी वो कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, मोलैलिटी वो कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, अदरवाइज हम मोलैलिटी भी ले सकते थे यहां पे। चलिए अब आगे देखते हैं, जो हमारा एनबी है, एनबी क्या है, डब्ल्यू बी अपॉन एनबी। अब ये वैल्यू यहां पे रख दें हम, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, और अगर ये ग्राम में है तो यहां हम कर लेंगे थाउजेंड से डिवाइड। तो अब हम यहां पे निकाल लेंगे डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग, ये हो गया मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। देखिए तो इसके हेल्प से हम लोग मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टर्म इज आर थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए अगला टर्म हम लोग सीखते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब जब हम किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, लेकिन उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कम हो जाता है। चलिए अगला भी देख लेते हैं, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी को हम लोग नाम देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन।
चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट इधर व्हाट थर्ड है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम लोग डिनोट करेंगे डेल्टा टीएफ, या इसी को हम लोग नाम देंगे क्रायोस्कोपी, क्रायोस्कोपी। चलिए सबसे पहले हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस कैसे डिफाइन करेंगे, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, एट विच क्या, एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन सॉलिड फेज, इन सॉलिड स्टेट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन लिक्विड स्टेट। इसी को हम लोग नाम देते हैं किसको, किसका, फ्रीजिंग पॉइंट का। यानी एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे सॉलिड स्टेट पर उसका वेपर प्रेशर उसी सब्सटेंस के लिक्विड फेज के, लिक्विड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसे हम लोग नाम देते हैं क्या। यानी यहां पे सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड स्टेट में, या लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड स्टेट में, इसी की हम लोग यहां पे कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इसको भी एक ग्राफ से समझते हैं। दिस इज द ग्राफ, इज द, इसको समझने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर इधर बढ़ रहा है, यह हमारा वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। चलिए देखिए, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया किसी एक पॉइंट पर, अगर हमने प्योर सॉल्वेंट लिया, तो प्योर सॉल्वेंट लेते ही हम क्या देखते हैं, प्योर सॉल्वेंट में क्या होता है, एक्चुअली प्योर सॉल्वेंट यानी कि लिक्विड स्टेट, ये हमारा पॉइंट है, ये हमारा हो गया प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट इन लिक्विड स्टेट। अगर हम इसको फ्रीज करना चाहें तो इसका टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा, यानी और कम करना पड़ेगा, और कम करना पड़ेगा, तो यहां पे ये फ्रीज होगा, तो ये क्या हो गया सॉलिड स्टेट में। अब इसको हम क्या लिख लेंगे, सॉलिड स्टेट में, ये सॉलिड स्टेट में हो गया। जब हम इसमें एक सोल्यूट ऐड करेंगे तो यानी ये सॉल्यूशन बन जाएगा, तो क्या होगा, अब इसका ग्राफ यहां से आएगा और ये यहां पर आके इससे मिलेगा, ये मैच किया, यानी अब हम क्या कह सकते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया, ये क्या हो गया सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट, ये हो गया क्या सॉल्यूशन इन लिक्विड स्टेट। तो एक्चुअल में होता क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट जब इक्वल हो जाता है जिस टेम्परेचर पे, उसी को हम नाम देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का। ये सॉल्यूशन कब है, जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद, तो एक पॉइंट हमें ये मिला यहां पर और एक पॉइंट हमें ये मिला यहां पर, ये दोनों पॉइंट हमने नोट कर लिए। अब ये प्योर सॉल्वेंट का था तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे टी एफ नॉट से, और इसको डिनोट करेंगे टीएफ से, और इनके बीच में जो डिफरेंस निकलेगा दैट इज व्हाट, डेल्टा टीएफ। अब यहां पे हमें डेल्टा टीएफ मिल गया, यहां पे हमें टीएफ मिल गया, और यहां पे टीएफ नॉट मिल गया, यहां पे हमें तीनों चीजें मिल गई। तो टीएफ क्या है, टीएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन, डेल्टा टीएफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टीएफ नॉट क्या है, टीएफ नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब हम जानते हैं कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं किस पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। यानी हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टीएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू एक
कॉन्स्टेंट लगाएंगे दैट इज वॉट, उधर हमने के भी लगाया था, इधर हम के एफ लगाएंगे। अब हमें पता है कि डेल्टा टी एफ क्या है, डेल्टा टी एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे ही हम लोग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग इसकी हेल्प से मोलार मास की भी कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं, मोलार मास ऑफ द सोल्यूट का भी कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम नाम देते हैं मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, मोलल डिप्रेशन कॉन्स्टेंट का। इसी को हम लोग एक और नाम से भी जान सकते हैं, क्या, दैट इज क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। वेरी गुड, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट का नाम देते हैं हम लोग इसको, क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। चलिए अब इसी की हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, मोलार मास। कैसे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट इन व्हाट, केजी, आइए जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। जी ओके जी, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट यानी एम बी। चलिए इसी को यहां से उठा लेते हैं और इधर लाते हैं और देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यहां पे हमें मिला मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्वड इन पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, तो यहां हम क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ मोलार मास, ऑफ मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट। चलिए जरा देखिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहां हमने लिखा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, ये हो गया एनबी, या इस एनबी को हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एनबी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, सो दैट्स वाई ये हो गया डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन, ये हमको थोड़ा नीचे लिखते हैं, एन बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, तो क्या डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए, और जब अगर ये ग्राम में है तो इसको हम थाउजेंड से डिवाइड कर लेंगे, और बाद में हम क्या देखेंगे, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए। इस हेल्प से हम लोग मोलार मास ऑफ द सोल्यूट की कैलकुलेशन इजिली कर सकेंगे। ये हो गया मोलार मास ऑफ द, मोलार मास ऑफ द सोल्यूट। यहां हम लोग ऐसे इसको कैलकुलेट करेंगे। अगर देखिए, अगर हमारे पास डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू था के एफ इंटू एम, तो इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, के एफ की यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ के एफ टी एफ इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा टी एफ अपॉन एम, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये हो गया केल्विन, केल्विन इंटू किलोग्राम, केल्विन इंटू, केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, इसकी यूनिट हम लोग ऐसे ही निकालेंगे, यानी हम ये कह सकते हैं केल्विन इंटू किलोग्राम पर मोल, तो इसकी यूनिट भी हम लोग ऐसे यहां से इजीली निकाल सकते हैं, यहां पे जगह नहीं बची है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मोलार मास ऑफ द कैलकुलेशन, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन इजिली कर सकते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट टर्म लेकर आएंगे जिसका नाम है नेक्स्ट एंड द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी योर ऑस्मोटिक प्रेशर, तो इसकी हेल्प से हम लोग भी मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट की कैलकुलेशन इजिली कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्म में हम लोग सीखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज द लास्ट टर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू सो मच।